हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और धमाकेदार अपडेट, जहाँ पर हम बात करेंगे आने वाली मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव को लेकर कुछ बड़े स्पॉयलर्स के बारे में, और इसके अलावा बात करने वाले हैं सुपरस्टार ऑफ द ईयर के बारे में और बाकी स्लैमी अवार्ड्स के बारे में। तो देर इस बात की शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव के बारे में, क्योंकि जो दोनों शो होने वाले हैं वो टेप शो होंगे, क्योंकि यहाँ पर WWE चाहती है जो सुपरस्टार्स हैं वो हॉलीडेज के टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। साथ ही साथ आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ बड़े स्पॉयलर्स निकल के आ रहे हैं दोनों शो के लिए, जो कि क्रिसमस ट्रेडिशन का होने वाला है। सबसे पहले बात कर ले पहले स्पॉयलर्स के बारे में, तो वो रिलेटेड है रॉ की वुमेन चैंपियन रोंडा राउजी वर्सेस नटालिया के मैच से, और स्पॉयलर्स का मानना ये कि इस मैच में रोंडा राउजी हराने वाले नटालिया को। और इसके साथ ही साथ स्मैकडाउन लाइव की बात कर लें तो वहाँ पर हमें मुस्तफा अली का आलमोस के साथ मैच दिखाई देगा, और इस बार विनिंग स्ट्रीक फिर से कंटिन्यू रहने वाली है मुस्तफा अली की, जब वो हरा देंगे अंद्रादे सियान आलमोस को इस बड़े सिंगल्स मैच में। अगले मैच की बात कर ले, जो कि ट्रिपल थ्रेड मैच होगा रॉ में, वो होने वाला है फिन बैलर वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच, और यहां पर स्पॉयलर्स की तरफ से फिन बैलर जीते हुए हमें नजर आएंगे। अगले मैच की बात कर ले, जो कि होने वाला है रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जहां पर चैड गेबल एंड बॉबी रूडी हराने वाले हैं रिवाइवल्स को और वो टाइटल को अपनी रिटेन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो में जिस तरह से आपको बताया था कि रूसेव आने वाले शिंसुके नाकामुरा को, और वो बन जाएंगे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी मेन अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है सुपरस्टार ऑफ द ईयर के बारे में और साथ ही साथ बाकी स्लैमी अवार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर WWE ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी से कर दिया इस बात को रिवील कि कौन से सुपरस्टार होने वाले हैं सुपरस्टार ऑफ द ईयर 2018, और साथ ही साथ बाकी स्लैमी अवार्ड्स, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, जहाँ पर मेल सुपरस्टार हैं द मोस्ट अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन, फीमेल सुपरस्टार हैं बेकी लिंच, बेस्ट टैग टीम है द बार की, हॉटेस्ट रिवाइवलरी है रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर की, बेस्ट मैच है बेकी लिंच एंड शार्लोट फ्लेयर का, रिटर्न ऑफ द ईयर है लुनाटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस की, और बेस्ट लिस्ट प्रोमो है रोंडा राउजी का। इसके अलावा शॉकिंग मोमेंट वो है जब रोंडा एंड जेफ हार्डी के बीच रिवाइवलरी चल रही थी, फनीस्ट मोमेंट वो है जब टाइटस ओनेल गिर गए थे और ग्रेटेस्ट वॉर रंबल 2018 में, और साथ ही साथ में बेस्ट रीयूनियन है द शील्ड का, बेस्ट ऑन द माइक है पॉल हेमन, ब्रेकआउट सुपरस्टार है अलायस, और साथ ही साथ ब्रांड ऑफ द ईयर है मंडे नाइट रॉ, जनरल मैनेजर ऑफ ईयर है स्मैकडाउन लाइव की पेज, और साथ ही साथ मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार हैं नयोमी, और मोस्ट हेटेड सुपरस्टार हैं बैरन कॉर्बन। तो ये थी सभी स्लैमी अवार्ड्स इस साल 2018 के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को नीचे लाइक किए बिना कहीं मत जाना। साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है मेल सुपरस्टार और फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर के बारे में। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE से जुड़ी ऐसी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलते रहे। तो मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय and take care।